हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर दीप्ति होम्योस चैनल। मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि खराब जीवन शैली या अधिक उम्र में शादी करना और देर से फैमिली प्लानिंग के कारण महिला और पुरुषों दोनों की प्रजनन क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और खानपान भी महिलाओं में इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन का कारण बनता है। एक रिसर्च में यह साबित हुआ है कि जो महिलाएं फर्टिलिटी बढ़ाने वाले योगासन का अभ्यास करती हैं उनके प्रेग्नेंट होने की संभावना अन्य महिलाओं से अधिक होती है। अब तो डॉक्टर भी प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए योग करने की सलाह दें। यदि महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो आप कुछ योगासन का उपयोग कर सकते हैं और उसकी मदद से अपनी प्रजनन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं योगासन के बारे में जानेंगे जिससे कि आप अपनी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, आपकी जो प्रजनन क्षमता कम हो गई है उसको बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं इस वीडियो में 5 योगासन बताऊंगी जो आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाने में आपको सहायक होंगे और आपकी मदद करेंगे। सबसे पहला योग है हस्त पादासन योग। ये फर्टिलिटी बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। नियमित रूप से हस्त पादासन योग करने से जननांग स्वस्थ रहते हैं और महिलाओं को इनफर्टिलिटी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। यदि आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो आप हस्त पादासन योग करें। इस आसन को करने के लिए आप, मैं इमेज बता दूंगी, आप उस इमेज को देख के आप समझ सकते हैं कि योगासन को किस तरह से करना है। और इस आसन को करने के लिए आपको सबसे पहले एक योगा मैट पर सीधे खड़े हो जाना है, अपने दोनों पैरों को पास पास रखना है और अपने दोनों हाथों को ऊपर सीधा कर लेना है। उसके बाद आप धीरे धीरे सामने की ओर कमर से नीचे झुकते जाना है और अपने दोनों हाथों से पैर के पंजों को छूने की कोशिश करना है। इस आसन में आप 60 से 90 सेकेंड के लिए रह सकते हैं और फिर आप इस आसन से बाहर आ सकते हैं। इस तरह से आपको ये इस योगासन को करना है। इसके बाद में जो प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए जो अगला आसन है वो है योग भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम तनाव और अवसाद को दूर करके आपकी प्रेगनेंसी की संभावना को बढ़ाता है। यह आपके दिमाग से किसी भी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने में मदद करता है और आपको शांत भी करता है। यदि आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो आपको यह ब्राह्मणी योगासन को ज़रूर करना चाहिए। इस आसन को करने के लिए आप किसी भी शांत जगह पर एक योगा मैट को बिछा कर उसमें पद्मासन या फिर सुखासन में बैठ जाना है और अपने दोनों ही हाथों के अंगूठे से कान को बंद कर लेना है। अपनी दोनों ही तर्जनी उंगली को माथे पर रखना है और शेष उंगलियों से अपनी आंखों को बंद कर लेना है। अब गहरी सांस लेना है और सांस को छोड़ते हुए मधुमक्खी की आवाज़ निकालना है। इस प्राणायाम को 2 से 3 मिनट के लिए आपको करना है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा जो अगला जो आसन है या योग है वो है पश्चिमोत्तानासन योग को हम हैमस्ट्रिंग यानी कि पीठ के निचले हिस्से और कूल्हों को एक अच्छा खिसाव देने के लिए इसे जाना जाता है। तो ये बहुत अच्छा आसन है। इसे आप इमेज में देख सकते हैं कि आपको किस तरह से करना है और यह महिला प्रजनन अंगों खासकर गर्भाशय और अंडाशय को भी उत्तेजित करता है जिससे प्रजनन स्तर में सुधार होता है और तनाव दूर होता है। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए आप किसी भी साफ जगह पर योग मैट को बिछाकर अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके दंडासन में बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के सीधे कर लेना है। अब धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना है और अपने दोनों ही हाथों के पैर के पंजे को पकड़ लेना है। अपने सिर को घुटनों पर रख देना है और इस आसन को आप 20 से 60 सेकेंड के लिए कर सकते हैं। अगला जो आसन है वो है भुजंगासन। यदि आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो भुजंगासन जो योग है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसे कोबरा पोज के भी नाम से जाना जाता है और ये जो आसन होता है या जो ये पोज होता है ये रक्त और ऑक्सीजन परिसंचरण में सुधार में आपको मदद करता है। ये पेट की चर्बी को भी कम करता है और कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो दूर करके उसे प्रजनन क्षमता बढ़ाने में भी आपको मदद करता है। भुजंगासन योग को करने के लिए आप योगा मैट को बिछा लें और पेट के बल लेट जाएँ जिससे आपकी पीठ ऊपर की ओर रहे। अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखें। अब अपने दोनों हाथों पर वजन डालते हुए धीरे धीरे अपने सिर को पीछे की ओर और टुंडी को ऊपर की ओर करने का प्रयास करें। ध्यान रखें कि आपके कमर के नीचे का जो शरीर होता है वो जमीन से ऊपर ना उठे। आप इस आसन में 20 से 30 सेकेंड तक रुकने का प्रयास करें। यह भी काफ़ी अच्छा है। इसके इमेज में आप देख सकते हैं और उसी तरह से आप इस आसन को कर सकते हैं। इसके बाद प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो अगला आसन है वो है योग बद्धकोणासन। बद्धकोणासन प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी योगों में से एक है क्योंकि यह कमर आंतरिक जांघों
यह आसन कमर और कोल्हे के क्षेत्रों में लचीलेपन के स्तर में सुधार करता है। यह सब कंसीव करने की संभावना को अनुकूल बनाता है और यदि गर्भावस्था के बाद में इस आसन का अभ्यास किया जाता है तो आपको सुचारू प्रसव भी होना तय है। बद्ध कोणासन योग को करने के लिए आप सबसे पहले एक योगोमेट को साफ जगह पर बिछा लें और दोनों पैरों को सीधा करके बैठ जाएं। इसके बाद दोनों पैर को अपनी ओर मोड़ लें और दोनों पैरों के पंजों से पंजे मिलाएं। अब दोनों हाथों से घुटने को धीरे धीरे दबाएं जिससे दोनों घुटने फर्श पर रख जाएं। इस मुद्रा को आप 2 से 3 मिनट के लिए करें और आप इमेज में देख सकते हैं कि इस योगासन को आपको किस तरह करना है। तो जो भी मैंने आसन बताए हैं, जिसको मैंने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है आपको किस तरह से इस योगासन को करना है, और इमेज भी मैंने आपको स्क्रीन पर बताई है, उसकी मदद से भी आप इन योगासन को कर सकते हैं। आप किसी योगा जो एक्सपर्ट्स होते हैं आप उनकी भी मदद ले सकते हैं इसके लिए। तो अगर आपको प्रजनन में या फिर आपकी प्रजनन क्षमता कम है, फर्टिलिटी आपकी प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी का कोई भी समस्या है, तो इन योगासन्स को आप ज़रूर करें। ये काफ़ी फायदेमंद होते हैं और योगासन्स जो हैं वैसे भी काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। इसे करने से आपको काफ़ी फायदे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव भी होते हैं। तो मेडिसिंस के अलावा इनका उपयोग ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको अगर इससे रिलेटेड कोई समस्या है तो मुझे कमेंट में आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके बाद मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।